तो हाय गाइस, हम आ गए हैं वापस एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। और गाइस, आज एक गजब के टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो यस गाइस, आज एक आ गया है मिस्ट्री बॉक्स और ये हमने परचेस किया है बेबलेट आर्ट शॉप से। तो गाइस, बेबलेट आर्ट शॉप मेरे फ्रेंड है एक्चुअली, तो उनसे मैंने कुछ बेस परचेस किया और वो एक अमेजिंग सेलर हैं ओजी बेबलेट्स के, मतलब प्लास्टिक जेन और एचएमएस। तो यस गाइस, देखते हैं आज क्या प्लास्टिक जेन या एचएमएस है हमारे पास। तो मैं बिना किसी तरीके इस बॉक्स को ओपन करता हूँ, तब तक ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस देखने के लिए वो जो जबरदस्त सा नीचे लाल बटन है उसको दबा दो, तभी जबरदस्त वीडियो आ पाएंगे। तो जाओ जल्दी से दबा दो। ओके गाइस, तब तक मैं इसको ओपन करता हूँ। वो अमेजिंग। सो यार गाइस, ये देखिए क्या गजब का दिख रहा है भाई, ये गजब बे है गाइस, ड्रसील जी, मजा आ गया। और फटाक से मैं इसका इंजन गियर गिमिक दिखा देता हूँ तो आपको भी थोड़ा सा मजा आ जाए, क्योंकि यार ऑब्वियसली सब लोग इंजन गियर देखना चाहते हैं, तो ऐसे इंजन गियर लग जाता है। और गाइस, हर बे का इंजन गियर सिस्टम अलग होता है, तो मेरे पास काफ़ी सारे इंजन गियर बेस हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, मतलब जितने मेरे पास हैं उतने का मैं अलग अलग वर्किंग दिखा सकता हूँ। तो प्रेस करते हैं इसको। ओ तो गाइस, इसमें ड्रसील जी में यही है कि ये दोनों जब प्रेस होंगे तभी इंजन गियर, ऐसे मान लो बेबलेट स्पिन कर रहा है, इस पर कुछ टकरा गया तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, गजब का है गाइस। और गाइस, ड्रसील डिफेंस टाइप है, बट पता नहीं क्यों इंजन गियर फ्लैट है, आई डोंट नो कि मतलब अटैक टाइप ड्रसील है क्या, पता नहीं गाइस, बट जो है सो है अभी के लिए। काफी मस्त लग रहा है, काफी मिंट कंडीशन में है, और थैंक यू बेबलेट आर्ट शॉप इतना गजब का कंडीशन में देने के लिए, मतलब फोटो से ज्यादा अच्छा दिख रहा है रियल में। और गाइस, उसके साथ ये मैंने नहीं मंगाया था, ये मुझे लग रहा है गिफ्ट में दिया है, थैंक यू बेबलेट आर्ट शॉप फॉर दिस अमेजिंग गिफ्ट। तो आप इनको इंस्टा या व्हाट्सअप जहाँ पे भी कॉन्टेक्ट कर पाओ कर सकते हो, आई थिंक इंस्टा व्हाट्सअप दोनों पे ही अवेलेबल है। और गाइस, उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे हमको मिलते हैं कुछ स्टिकर्स जो हैं एचएमएस के। यस गाइस, मैं अपने एचएमएस बेस को रिफर्बिश करना चाह रहा हूँ और जब मुझे टाइम मिलेगा तो इनको कट करेंगे, क्योंकि इसको कट करना बहुत बड़ा पेन है अपने आप में और बहुत टाइम टेकिंग है, तो मैं यूजुअली आराम से शांति से बैठ के ही कट करना प्रेफर करता हूँ, उसके लिए बहुत शार्प नाइफ भी चाहिए। तो यस गाइस, ये किसी और दिन का काम है, तो इसको मैं भी ऐसे ही रख दूंगा, इसको कट करके किसी दिन अपने एचएमएस को रिफर्बिश कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और गाइस, मेरे पास ज्यादातर ब्लेड ब्रेकर्स के फेक्स थे, तो ये सारे फेक्स हैं। ये गाइस ड्रिगर जी, इसका भी बिट बीस का स्टिकर लगाना है जो कि निकल गया है। और ये है ड्रॉन्जर जी गाइस, तो ठीक है, मतलब ओवरऑल नॉट बैड नॉट बैड। तो इसमें भी लगभग वही मैकेनिज्म है जो ड्रसील में, सिमिलर मैकेनिज्म है, थोड़ा सा डिफरेंट है, एग्जैक्ट सेम नहीं है, बट हाँ सिमिलर मैकेनिज्म है गाइस। तो यस गाइस, ये फेक्स वाले मैं यूज करता था, तो मैंने धीरे धीरे अभी ओरिजिनल वाले कलेक्ट कर लिए हैं। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यार एक ओरिजिनल और फेक का कंपैरिजन। तो गाइस ये देखो, दोनों के शाइन में ही डिफरेंस है, जबकि दोनों लगभग सेम है, मतलब कितनी ज्यादा सिमिलरिटी है। और इसमें जो इंजन गियर है वो अंदर रेड कलर का दिया है, इसमें ब्लू कलर का दिया जो कि ब्लू आता है एक्चुअल में, और वो इसके देखो ये ना स्टीकर थीम से मैच करता है इसलिए ब्लू है। और ये देखो गाइस, पीछे से भी काफी ज्यादा सिमिलर है। हाँ, लेकिन अगर आप दोनों को हाथ में पकड़ोगे तो आप प्लास्टिक की क्वालिटी से बता सकते हो कि ये वाला फेक है। और गाइस, यही हम लोग आज तक यूज करते रहे, काफी महंगा था, और मतलब इफेक्ट्स भी सस्ते नहीं आते क्योंकि मिलते नहीं आसानी से। और ये गाइस, ये तो ओरिजिनल चीज है। तो यस गाइस, ये गजब की चीज है, और अब मैं फेक्स नहीं यूज करता हूँ। तो अभी मेरा ये सेट कंप्लीट हो गया, ये आखिरी बे था जो मैं जी सिस्टम में लेना चाह रहा था। तो गाइस, जो मेरे चार बेस मुझे चाहिए थे वो थे ड्रॉन्जर, ड्रसील, ड्रगर और ड्रैगून। तो चारों के जी रेवोल्यूशन बेस हो गए हैं गाइस कलेक्ट यहाँ पे, और पता नहीं क्यों ये उधर उधर भाग रहे हैं, खैर कोई नहीं। और ये गाइस हमको एक्स्ट्रा मिल गया जो है सीबॉग। वैसे सीबॉग मेरे पास ऑलरेडी है, ये सीबॉग 2 है, तो इसका मेरे पास ब्लैक वर्जन है, तो ब्लैक और ब्लू दोनों ही सीबॉर्ग हो गए हैं। और दो और सीबॉर्ग है मेरे पास ऑलरेडी, वो है सीबॉर्ग 1 के दो बेस, ये रहे गाइस। तो यस गाइस, ये कुछ बेस अपने कलेक्शन में ऐड हो गए हैं, तो मतलब एक प्रकार से कलेक्शन ऐसे बन रहा है धीरे धीरे करके। और ये मान के चलो, ये कुछ पार्ट मैंने आपको अपने ओजी कलेक्शन का दिखाया है, और अगर ऐसे ही सपोर्ट रहेगा तो एक दिन सारा ही कलेक्शन दिखाएंगे, लेकिन अभी के लिए गाइस इतना ही। तो यस गाइस, आज के लिए इतना ही, आप अपने थॉट्स को बताना कमेंट सेक्शन में, और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ और हैप्पी ब्लेडिंग।